गुटखा पाउच खरीदने किराने की दुकान पर गए एक युवक की दो भाइयों ने मिलकर चाकू घोंप कर हत्या कर दी। हत्यारे भाई घटना के बाद फरार हो गए। हत्या की वजह एक आरोपी की पत्नी को 2 साल पूर्व मृतक द्वारा भगा ले जाना बताया जा रहा है। हत्या की यह वारदात हुई जिले के ग्राम गंगाखेड़ी में बीती रात करीब 10:30 बजे। एक गांव के ही शेर खान के बेटे जावेद की शादी थी। गांव के लियाकत खान, उनकी पत्नी व बेटे शाहरुख खान भी भोजन करने के लिए आए थे। भोजन के बाद शाहरुख खान गुटखा पाउच खरीदने के लिए गांव के किराना दुकान पर गया। दुकान पर पहले से ही सद्दाम और सलमान खान दोनों भाई हमले के लिए घात लगाकर बैठे हुए थे। शाहरुख खान के पहुंचते ही सलमान ने पीछे से शाहरुख को पकड़ लिया और सद्दाम ने सामने से सीने पर चाकू घोंप दिया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों भाई फरार हो गए। घायल शाहरुख को परिजन रात्रि करीब 10:30 बजे जिला चिकित्सालय लाए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस स्टेशन रोड ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि आरोपी सद्दाम की पत्नी हीना 2 साल पहले शाहरुख के साथ चली गई थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। हीना अपने पति सद्दाम के साथ ही रहने लगी। पत्नी को भगा ले जाने की रंजिश में सद्दाम ने अपने भाई के साथ मिलकर शाहरुख की हत्या कर दी। जी सर, सद्दाम आया पीछे से चाकू लेके और उसके भाई ने सलमान ने पकड़ा और वारिस खान ने दोनों मिलकर पकड़ा और सद्दाम ने पीछे से वार करके चाकू मार दिया सीने के ऊपर। क्या कितने जन थे ये? 3 जने थे सर, तीनों बाप बेटे। क्या कुछ विवाद था पुराना? सर कोई विवाद नहीं था पुराना। आपका नाम? हयात नाम है मेरा। कहाँ से थी धंधा है? जी गंगाखेड़ी की है सर, ग्राम गंगाखेड़ी की। शहर में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। बीती रात को आई रिपोर्ट में 3 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन 3 नए मरीजों के सामने आने से शहर में 3 नए कंटेनमेंट क्षेत्र भी बनाए गए। रतलाम में कोरोना मरीज का कुल आंकड़ा 137 तक पहुंच गया है, जिसमें महिला और बच्चे शामिल हैं। इनमें से 112 स्वस्थ हो गए हैं, वहीं 6 लोगों की मौत हो गई है। शहर में कोरोना संक्रमण की जाँच के लिए सैंपल लेने का काम जारी है। इन्हीं सैंपल की आई बीती रात रिपोर्ट में 3 नए कोरोना मरीज सामने आए। ये मरीज बड़ी शीतला माता मंदिर, लक्ष्मणपुरा और जवाहर नगर के हैं। इन तीनों क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने सैनिटाइजर करवाकर नए कंटेनमेंट बनाए। बिजली के बढ़े हुए बिलों के कारण उपभोक्ताओं पर पड़ रही मार के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस ग्रामीण ने विद्युत मंडल कार्यालय के सामने बिजली बिल जलाकर विरोध दर्ज कराया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष राजेश भरावा के मार्गदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत मंडल द्वारा उपभोक्ताओं को दिए जा रहे भारी भरकम राशि के बिजली बिलों के विरोध में नारेबाजी की। किसान नेता डीपी धाकड़ सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी ने अपने साथ लाए बिजली बिलों को जलाकर विरोध दर्ज कराया। जिला कांग्रेस की ओर से एक ज्ञापन विद्युत मंडल को दिया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को दिए गए बढ़ी हुई राशि के बिजली बिलों की वसूली बंद करने और कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई इंदिरा गृह ज्योति योजना को पूर्व की तरह ही लागू करने की मांग की गई। ज्ञापन देने के पूर्व कांग्रेसी कार्यकर्ता एक रैली के रूप में जिला कांग्रेस कार्यालय से विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचे, लेकिन इस रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह पर मास्क बांधे हुए थे। कांग्रेस कार्यकर्ता 2 गज दूरी रखना भूल गए थे। यह है कि आज रतलाम जिले में बिजली के बिल 2 महीने से लगातार, जो कमलनाथ जी की योजना बनाई गई थी 100 यूनिट पे 100 रुपए के बिजली का बिल, 150 यूनिट पे 150 रुपए बिजली का बिल, लेकिन शिवराज सिंह की सरकार बैठते ही वो योजना बंद कर आज गरीब लोगों के घर में 5,000 से 10,000 तक के बिजली के बिल आए हैं, जिससे कोरोना महामारी में पहले ही परिवार परेशान है, काम धंधा मिल नहीं रहा है, मजदूरी मिल नहीं रही, लेकिन बिजली के बिल इतने देने से लोग परेशानी में आ गए हैं और लोगों में घबराहट है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने मांग करी कि तत्काल प्रभाव से बढ़े हुए बिजली के बिल कम किए जाए, पुरानी योजना जो कमलनाथ जी थी उसको लागू की जाए, अन्यथा बिजली का बिल कोई भी व्यक्ति नहीं भरेगा, इसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। हमने आज इनको चेतावनी दी है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में उपचार करवा रहे कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। रविवार और सोमवार को यहां से 17 मरीज घर गए हैं। रविवार को 13 मरीजों की छुट्टी होने पर कलेक्टर रुचिका चौहान, एसपी गौरव तिवारी तथा डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने उत्साह वर्धन किया। इन मरीजों में बच्चे भी शरीक हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान ने मीडिया को बताया, यहाँ से 14 पॉजिटिव पेशेंट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं
और बताया कि एक और पेशेंट है जिनकी रिपोर्ट जो पॉजिटिव थी अब नेगेटिव आ गई है। हालांकि उनकी तबीयत को कुछ और ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो वो हमारे एक्टिव केसेस से तो डेफिनेटली कम हो जाएंगे, लेकिन उनके जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो उनको अभी एक दो दिन नहीं और रखकर की जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारे जो एक्टिव केसेज हैं वो अब 29 से रह करके 19 रह जाते हैं 1992। सोमवार को यहाँ से 4 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं, जिनमें 2 रतलाम तथा 2 जावरा के मरीज हैं। मरीजों के उत्साहवर्धन के लिए एडीएम जमुना भिड़े पहुंची थी। शासकीय मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में 19 मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जबकि 112 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथ धोना सबसे जरूरी है। प्रशासन ने हाथ धोने के लिए जगह जगह पानी की टंकियां रखवाई गई है। नगर निगम द्वारा रखी गई इन टंकियों के पास साबुन और लिक्विड लोशन भी रखा जाना बताया गया है। बावजूद इसके हाथ धोने की व्यवस्था की मैदानी हकीकत कुछ और है। निगम ने निगम कार्यालयों के मुख्य गेट, जिला पंचायत, कलेक्टर कार्यालय, सिलाना बस स्टैंड, अलकापुरी सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में ये टंकियां रखी गई है। शहर में इस व्यवस्था के सुचारू हुए अभी एक माह भी नहीं हुआ है कि इन टंकियों के नल गायब हो गए। निगम ने टंकी रखने के स्टैंड में पैर से प्रेशर की व्यवस्था की है, एक से पानी तथा दूसरे से साबुन आना बताया जाता है, लेकिन यहाँ साबुन का तो नामो निशान ही नहीं है। निगम सिर्फ कलेक्टर कार्यालय वाली टंकी का ही मेंटेनेंस कर रही है, शेष टंकियां और हाथ धुलाई रस्में भी नहीं निभा पा रही है। कोरोना के नाम पर निगम प्रशासन ने सामान की खरीदी कर अपनी सक्रियता बता दी है, लेकिन आम जन को कोई फायदा नहीं मिलने से यह सिर्फ जन धन का चूना ही साबित हो रहा है। अलकापुरी क्षेत्र और नगर के गणमान्य नागरिकों के व्हाट्सएप ग्रुप VIP एवं अलकापुरी क्षेत्र के रहवासियों ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन में सेवा सहयोग करने वालों का सम्मान किया। गणेश चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लीड बैंक के पूर्व प्रबंधक हिम्मत गेलड़ा थे। अध्यक्षता पूर्व पार्षद वंदना अनिल पुरोहित ने की। कार्यक्रम में अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि लॉकडाउन की विकट स्थिति में सदस्य द्वारा सेवा का लाभ दिया गया। इस ग्रुप के 20 सदस्यों ने सेवा कार्य किया है। अतिथियों ने इन सभी सदस्यों को सामाजिक दूरी बनाकर अभिनंदन पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य सहित बड़ी संख्या में अलकापुरी के रहवासी मौजूद थे। काम है जनता की सेवा करना और जनता का काम करना, जनता के सुख दुख में आकर खड़े होना, ये उसका दायित्व है। इसमें सम्मान वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मुझे जब पता चला कि भाई अनिल जी पुरोहित का फोन आया कि मैडम हमने ऐसा कार्यक्रम रखा है, मैंने मना बोला उन्हें कि कहीं कोई आवश्यकता नहीं है इस कार्यक्रम की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपको आना पड़ेगा,